नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर विनीत। दोस्तों आज मैं आपको अपने खेत पे लाया हूं। असल में खेत पे थोड़ा सा हो रहा है काम, मैं अभी आपको दिखाता हूं। असल में मेरी जो उड़द थी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं पीछे, मेरी उड़द पड़ी हुई है और इसको आज निकलवाया जा रहा है कंबाइंड के जरिए। जी हाँ, कंबाइंड हार्वेस्टर यहाँ पे मशीनें चलती हैं और उसमें ये जो आप देख रहे हैं उड़द के छोटे छोटे से ढेर लगे हुए हैं, इनको कंबाइन में डाला जाता है और फिर उड़द निकल के बाहर आती है। तो यही मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कंबाइन के जरिए उड़द निकाली जाती है। तो दोस्तों देखते रहिए ये वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जगह जगह पे जब उड़द हरी होती है तो उसे दराती वगैरह से काट के इस तरह की छोटी छोटी ढेरियां लगा दी जाती हैं और इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब ये सूख जाती है दोस्तों पूरी तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं लकड़ी पूरी अच्छी तरह से ये सूख चुकी है, ठीक है ना, और इसके बाद इसे उठा के कंबाइंड में डाल दिया जाता है। ये देखिए पूरे खेत में ये फैली हुई है छोटी छोटी सी ढेरियां। दोस्तों ये जो कंबाइन होती है ये सिर्फ उड़द वगैरह खाने के काम ही नहीं आती है, इससे दोस्तों गेहूं, धान, मक्का ये सारी फसलें इससे काटी जा सकती हैं। होता क्या है दोस्तों, यदि हाथ से वैसे हम लोग कटवाते हैं लेबर लगा के तो उसमें आता है दोस्तों बहुत जबरदस्त खर्चा, लेकिन कंबाइन से बहुत जल्दी कट जाता है और खर्चा भी कम आता है। इन कंबाइनों को दोस्तों चलते हुए कम से कम दसियों साल हो चुके हैं और यहाँ पे सरदार लोग हैं तो उन्हीं लोगों के पास ये कंबाइन होती हैं और किराए पे हम लोग मंगवा लेते हैं अपने गेहूं, धान, उड़द या जो भी कोई फसल आप कर रहे हैं उसे कटवाने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये उड़द का ढेर लग चुका है ट्रॉली में और इसमें काफी कूड़ कबाड़ आ जाता है और जब ये ट्रॉली उतरेगी तो इसके बाद इससे छाना जाता है, ठीक है दोस्तों, चलना लगाया जाता है इसमें ताकि ये जो मोटा मोटा कूड़ा है ये सब अलग हो जाए और उसके बाद इसे पंखे से सहलाया जाता है। बड़ा पंखा होता है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बड़े पंखे से इसे सहलाया जाता है तो जो बारीक कूड़ा होता है और जो
बाकी का जो कचड़ा कबाड़ा रहता है वो सब इससे हवा लगने से हट जाता है। तो ये देखिए, ये है उड़द ताजी ताजी निकली हुई खेत की। ये आ गए हैं सारे बच्चे, यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं देखिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आने वाले समय में और भी वीडियोस लाने का मेरा प्रयास जारी रहेगा। YouTube चैनल ब्लॉगर विनीत को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।